रायसेन जिले में भारी बारिश ने किसानों को तबाह करके रख दिया है। आलम यह है कि बारिश के कारण मूंग की फसल पानी में डूबकर खराब हो गई है। किसानों को इंतजार था कि मूंग की खरीदी होगी और उन्हें उनकी फसल का समर्थन मूल्य मिलेगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। प्राकृतिक आपदा ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अन्नदाता की हजारों हेक्टेयर मूंग की कटी हुई फसल पानी में डूबकर सड़ गई और कोई उनकी समस्या को सुनने वाला नहीं है। मामला रायसेन जिले का है, जहां उदयपुर में 10,000 हेक्टेयर मूंग की फसल खराब हो गई है। बरेली में 15,000 हेक्टेयर, बाड़ी में 12,000 हेक्टेयर, सिलवानी में 12,000 हेक्टेयर, गैरतगंज में 14,000 हेक्टेयर मूंग की फसल पानी से खराब हो गई है। किसानों की कटी हुई मूंग की फसल खेतों में पानी में डूबकर सड़ने लगी है। वहीं किसानों को उम्मीद है कि कुछ फसल बच जाए, जिसके लिए वो नेशनल हाईवे 12 पर अपनी फसल सुखाने जा रहे हैं, लेकिन फली में दाना पीकने लगा है। किसानों से उनके दर्द की दास्तान आप सुन सकते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंगल सिंह पठिया। ये बताइए पठिया जी, लगभग कितनी फसल जो है आपकी मूंग की बर्बाद हो गई है? हमारी मूंग की फसल 10 एकड़ में थी जी, तो पूरी समय ले आल्टू 100% खराब हो चुकी है। कटी हुई फसल थी क्या? हाँ, कटी हुई फसल पूरी पानी में डूबी है। अब आप ये सड़क पर डाल के क्या करना चाह रहे हैं? सड़क पर डाल के जी है कि भाई जितनी दूर निकलेगी भाई वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उम्मीद जता रहा है इसमें? अभी उम्मीद क्या है, इसकी कुछ नहीं है, खत्म है ये तो। हाँ, तो पूरी खत्म है बिल्कुल। आपके इलाके में लगभग कितने हजार एकड़ फसल बर्बाद हुई होगी? अरे बहुत, कम से कम 20,000 एकड़ भैया फसल चौपट हो चुकी है। अभी पटवारी, तहसीलदार, SDM कोई सर्वे करने आए? पटवारी आए ना, तहसीलदार आए, उन्हें कोई मतलब नहीं है चीज से। किसान परेशान है। अरे किसान पूरा परेशान है बिल्कुल। लॉकडाउन में अपनी जान की परवाह ना करते हुए किसान दिन रात मेहनत करता रहा। वहीं सरकार ने 8 से 15 जून तक समर्थन मूल्य के पंजीयन की घोषणा की थी, लेकिन किसान ना तो पंजीयन कर पाया और ना ही फसल को तैयार कर पाया। इसी बीच में प्रकृति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब किसान के पास रोने के अलावा हाथ में कुछ नहीं बचा। 10 एकड़ की मूंग खराब हो गई सर जी। अब इसमें रोड पे डाले में काम ही वो भी कर रहे हैं, जितनी आ गई हाथ में सर न सड़ जाएगी सब। लगातार बारिश की वजह से लगातार बारिश, 4 दिन बारिश हुई सर लगातार। कोई उम्मीद नहीं थी हमारे पास के यहाँ खेत में से उठा लाएंगे फसल। पानी में डूब गई थी सभी? पानी में डूब गई थी। कटी कटाई फसल थी? कटी कटाई, घूटो भर पानी में से उठा के लाए। कोई अधिकारी वगैरह आए अभी जांच करने? कोई नहीं आया सर। पटवारी, तहसीलदार, SDM कोई नहीं आया है। तो 1,000 एकड़ कम से कम पानी में डूब के खराब हो चुकी है फसल। कटी कटाई थी? कटी कटाई और कुछ खड़ी भी है। क्या उम्मीद कर रहे हैं अब आप? इसमें कोई उम्मीद कर रहे हैं, इसमें कोई उम्मीद नहीं, बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद हो चुकी है, अंकुरण आ चुका है। अब ये बताइए, अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी देखने आया नहीं है? पटवारी, तहसीलदार, SDM कोई नहीं आया अभी। आप ये क्या कर रहे हैं आप, इसको धूप में सुखा रहे हैं रोड पे रख के? धूप में सुखा के इसको जो आएगा वो देखेंगे। उधर जब इस बारे में जिम्मेदारों से बात की गई तो उन्होंने नुकसान होने की बात कहते हुए मामले की जांच होने की बात कही और मामले पर पल्ला झाड़ते हुए चलते बने। और उससे किसानों की मूंग की फसल जो है उसमें नुकसान की संभावना है। इसके लिए कल से ही जिला कार्यालय से निर्देश प्राप्त होते ही हमने समस्त क्षेत्रीय पटवारियों को और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नेत्रांकन करें और जानकारी दें तत्काल कि किस किस गांव में कितने कितने क्षेत्र की मूंग की फसल को वर्षा से नुकसान हुआ है अथवा नहीं हुआ है। जहाँ तक मूंग की फसल के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन का प्रश्न है, कल मेरी जानकारी में ये तथ्य आया था कि खरीदी केंद्र जहां निर्धारित किए गए हैं वहां पर पंजीयन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है। मैंने अनुविभागीय अधिकारी महोदय और फूड इंस्पेक्टर को इस संबंध में अवगत कराया है और शीघ्र ही उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, सहकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है। संभवतः शीघ्र कल तक के सभी केंद्रों पर पंजीयन प्रारंभ हो जाएंगे। अन्नदाता पर प्रकृति की मार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, लेकिन किसान ने हिम्मत नहीं हारी। डूबी हुई फसल को सड़क पर डालकर सुखा रहा है। किसान की आखिरी उम्मीद है कि कुछ फसल निकल आए, लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि ना पटवारी, ना तहसीलदार और ना ही अनुविभागीय अधिकारी ने किसान की बर्बाद फसल को देखने की जरूरत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं और अन्नदाता यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।